नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली पिछले दिनों पुलवामा हमले के बाद से देश का माहौल कुछ बदला हुआ है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल है इस समय। जिसने भी 40 जो सैनिकों की लाशें या जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनकी जो लाशें थी छत विक्षत, जो मैंने भी डायरेक्टली जाकर नहीं देखा है, मैंने भी टीवी पर ही देखा है, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। तो वो देख के एक पूरा देश एक गुस्से में उबल रहा था। हर आदमी के अंदर देशभक्ति की भावना जगी हुई थी और हर आदमी इतने गुस्से में था कि वो चाहता था कि पाकिस्तानियों को और इन देशद्रोही कश्मीरियों को सबक सिखाया जाए। कश्मीरियों से मेरा मतलब पूरे कश्मीर से मत लेकर, मेरा कश्मीर से सिर्फ मतलब उन आतंकवादियों से है कि जो खाते इस देश का है और साले ये लोग गाते पाकिस्तान की है और उनके उन पाकिस्तानियों के कहने पे अपने लोगों पर ही ये हमले करते हैं। मेरा इन लोगों से बहुत गुस्सा था। खैर, टॉपिक मेरा ये नहीं है। टॉपिक मेरा ये है कि पुलवामा हमले के बाद जो देश में एक माहौल बना था उसमें लगा था कि हाँ, वो अब इस बार कुछ पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। पूरे देश का जो विरोध का माहौल बना था उसको देखकर सभी को लग रहा था कि इस बार कुछ होगा। और जैसा कि सभी जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने 2017 में उरी हमले के बाद करवाई थी, तो लोगों को एक उम्मीद थी कि हाँ, मोदी जी कुछ करेंगे। पर मोदी जी ने कुछ भी इस पर बोलना उचित नहीं समझा और मोदी जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला कि वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पूरा देश गुस्से में था और मोदी जी एक तरफ बस कुछ चीज़ें रोज एक सिफूगा छोड़ देते थे, जैसे एक दिन मोस्ट फेवर्ड नेशन का आपने दर्जा वापस ले लिया, दूसरे दिन आपने उनका 200% टैक्स बढ़ा दिया उनके सामान पे, तीसरे दिन टमाटर उनके यहाँ महंगा हो गया, आपने टमाटर बेचना बंद कर दिया, चौथे दिन आपने घोषणा कर दी कि हम तो पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोक देंगे। पर इस बार जनता इन चीज़ों से मानने वाली नहीं थी और मोदी जी तो मोदी जी ठहरे, वो भी इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ थे। तो मोदी जी ने भी अपना प्लानिंग कर ली थी पहले से ही, और मोदी जी के पर्दे के पीछे क्या प्लानिंग चल रही थी मुझे भी नहीं पता। लेकिन पर्दे के पीछे जहाँ तक मुझे अंदाज है कि मोदी जी राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर तरीके से पाकिस्तान को घेरने में लगे हुए थे और जिसके परिणाम लोगों मोदी को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि मोदी जी किस तरह के इंसान हैं। तो ये अंदाजा तो सभी को था कि पाकिस्तान को इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा, पर इसका क्या परिणाम होगा ये कोई भी नहीं जानता था। और दूसरी साथ ही इसके साथ ही भारत चाह रहा था कि जैसे मोहम्मद जैसे संगठन पे रोक लगाई जाए, और जैसे संगठन पे रोक लगाना मतलब इतना आसान काम नहीं है, और ना ही क्योंकि पिछली कई बार से चीन इसके ऊपर वीटो लगाता रहा है। मसूद अजहर को कई बार भारत ने यूएन में बैन कराने की कोशिश की लेकिन चीन इस पर वीटो लगा देता था, जिसकी वजह से भारत कभी भी इस मामले में सफल नहीं हो पाया। तो जैसे मोहम्मद कोई एक सामान्य सी घटना नहीं थी जिसने इस पर आतंकवादी हमला करने के बाद उसकी उसका दुस्साहस देखिए कि उसने इस चीज़ को स्वीकार भी किया कि हमने किया है। तो अब मोदी जी करते क्या, मोदी जी ने अपने सिपाही सलाहकारों NSA अजीत डोभाल और अपने तीनों सेना के अंगों के साथ में, रक्षा मंत्री के साथ में बैठक की और जो भी डिसाइड हुआ उसके बाद अचानक लोगों को मालूम पड़ा कि ये 26 फरवरी को दूसरी एयर भारत ने दूसरी एयर स्ट्राइक कर दी है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, इसे लोग एयर स्ट्राइक के नाम से नाम दिया गया क्योंकि ये हमारी एयरफोर्स ने की थी। 12 जहाज हमारे बाकी जो 14 जहाज जिनमें से 12 मिराज जहाज थे जिन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट में 62 किलोमीटर अंदर से लेकर POK के भी अंदर जाके मतलब बालाकोट में जाकर जैसे मोहम्मद खातन की संगठन जो है उसका जो ट्रेनिंग सेंटर था उसको तबाह कर दिया।
बस जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई उसके बाद ही इस देश की कांग्रेस और विपक्ष सारी पार्टियां अपनी औकात पे आ गई हैं। अब सबको लगा कि अब मेरा 2019 का चुनाव तो गया, मोदी जी चुनाव जीत चुके हैं और मेरी हार बिल्कुल सामने रखी है। बस उसके बाद फिर क्या था, ले सबसे पहले वो सूजे मुंह वाला है, क्या नाम है उसका, सुरजे वाला, वो कमीना 56 इंच की छाती नापने आया, साला खुद का अपना 10 इंच का नहीं नाप पाया और वो यहाँ पे 56 इंच की छाती नापने आया था जब देश जंग की ओर बढ़ रहा था। उसके बाद वो केजरीवाल, जिसको मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है कि दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता ने कैसे उसको मुख्यमंत्री बना दिया कुत्ते को। और उसके बाद ये कपिल सिब्बल, और सबसे बड़ा आतंकी जो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए पर दिग्विजय सिंह, जिससे बड़ा साला कोई आतंकवादी सरगना नहीं है, वो एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे, कितनी लाशें गिरी आप बताइए, आंकड़ा दीजिए। अबे अब बोलूँ साले को, साले सेना का काम मारना होता है, लाशें गिनना नहीं होता है। ये लाशें गिनने का काम ना तुम्हारे जैसे हिजड़े करते हैं। 70 साल का बुढ़ा साला 35 साल की औरत के साथ में सो रहा है, तेरे से किसी ने सबूत मांगा कि बेटा तेरा है? तू साला मोदी जी से सवाल पूछ रहा है कि एयर स्ट्राइक में कितनी लाशें गिरी, और एक वो हिजड़ा मतलब सिद्धू जिसको कहना चाहिए, मुझे तो शर्म आती है साले, ऐसे हमारे देश के नेता है और इनको मंत्री बना के रखा हुआ है। उसको जो कहता है कि पाकिस्तान में हम पेड़ गिराने गए थे, उसको शर्म नहीं आती साले? ये आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं, मैं तो कहता हूँ 10 जनपद सबसे बड़ा आतंकी संगठन का केंद्र है। मैं तो, मगर मेरी मोदी जी सुन रहे हो या कोई भी भारत का नागरिक सुन रहा हो, या मेरी बात को अगर 10 लोगों तक भी पहुंच दिया तो आपने ये 10 लोगों इस बात को आगे बढ़ाए कि इस आतंकी संगठन कांग्रेस पर हमारी इलेक्शन कमीशन और हमारी भारत सरकार बैन लगाए और इसके सारे खातों की जांच हो, सील हो खाते कि किस किस आतंकी संगठन को कितने कितने पैसे गए हैं। मुझे तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है और कांग्रेस को सत्ता जाती हुई दिख रही है। मैं कहता हूँ कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ कि सत्ता में एक किसी तरह से वापस आके दिखा दे। इस देश की जनता अब पढ़े लिखी हमारे जैसे युवा लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं समझदार हैं, वो 1970 के या 1980 के अनपढ़ गंवार लोग नहीं है। आज की डेट में हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी के हाथ में इंटरनेट है, हर आदमी के पास टीवी है, उसके पास हर माध्यम है सोचने का, समझने का, देखने का, पढ़ने का और बूझने का, और वो इनकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं है। इन्होंने गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हटाते हटाते इन्होंने खुद की अमीरी इतनी बढ़ा ली कि आज बिना कुछ किए एक पप्पू और उसकी माँ दुनिया के 5वें नंबर के सबसे अमीर आदमी है। आप सोचिए ये लोग देश के लिए क्या करेंगे। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि कांग्रेस जैसी पार्टियां और ये पढ़े लिखे केजरीवाल जैसा आईआईटी बोलता है मैं आईआईटी पास आउट हूँ या इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूँ, यार ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं, देश हित भूल गए हैं, देश धर्म भूल गए हैं, राजधर्म भूल गए हैं। इनको क्या क्या अधिकार है कि देश की जनता के से ऐसे सवाल करें, ऐसी बातें करें, वो भी उस समय जब जंग में हमें सबसे ज्यादा एक साथ होना चाहिए। आज ये कांग्रेसी नेता, ये विपक्ष की नेता, ये ममता बनर्जी, ये सिब्बल, ये लोग जो बयान देते हैं वो पाकिस्तान में चटकारे ले लेकर सुनाई जाती हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान में प्ले पोस्टर पर बना हुआ है, माफ कीजिए, राहुल गांधी के ट्वीट भारत में 100 लोग आरटी करते हैं और पाकिस्तान के अंदर 4000 लोग आरटी करते हैं। आप किस देश का, इस देश का खा रहे हैं और आप इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। मैं तो भारत की अगर जनता मेरी बात मानती है, मैं अगर मेरे 10 लोग भी मेरे भाई बहन मेरी बात को सुनते हैं और जिनमें हिम्मत है और जो भारत माँ के लाल है, तो वो पाकिस्तानियों के, इन पाकिस्तानियों मतलब कांग्रेसियों के घर पे जाके इनकी नेम प्लेट चेंज करके उसके कांग्रेस के साथ में गद्दार पार्टी ऐड करके आए, इनका नाम के साथ में इनको लिखें कि गद्दार पार्टी है साले, ये तब सुधरेंगे, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।